दीपक जी बताइए, देखिए प्रभारी मंत्री भी अमेठी के, और अमेठी और कांग्रेस की अगर बात करें तो पूरे देश भर में लोग इस बात को जानते हैं। तो मोहसिन रजा साहब कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, जो कुछ किया इन्होंने किया। जो पार्टी सदन में कह सकती हो कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हो, उसकी बातों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। हमने एबीपी गंगा सहित तमाम प्रदेश में देखा था ऑक्सीजन कमी से कितनी मौतें हुई। तो ये उतने झूठ है जितना ऑक्सीजन कमी से उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान हो। जितना काम अमेठी में हुआ है देश की किसी पार्लियामेंट ने किया, चाहे अटल जी सरकार रही हो, चाहे इनकी 7 साल से दिल्ली में फिर मोदी सरकार है, चाहे भाजपा सरकार, चाहे कल्याण सरकार, राजनाथ सरकार। अमेठी में 3 नवरत्ना कंपनियां हैं, अमेठी में तमाम ऐसे HL, VHL, गन फैक्ट्री, उड़ान यूनिवर्सिटी, IIIT, कई सारे शिक्षण संस्थान अमेठी में बने हैं। अमेठी में स्टेट नेशनल हाईवे का जाल है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं बिछा है। हाँ, अलग की बात है कि जब से स्मृति ईरानी जी अमेठी की सांसद बनी है, एक सिंगल, बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, प्रतिष्ठित चैनल है देश का आपका, एक काम नहीं किया है। ये क्या करते हैं, जिस तरह से मोहसिन भाई अपनी बात को बड़ी सफाई से झूठ बोलते हैं, कि झूठ बोलने के परंपरा वाहक हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ना उत्तर प्रदेश की सरकार कोई काम कर सकी, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ ना। लेकिन मोहसिन रजा साहब को क्यों नहीं दिखते दीपक भाई, ये जो तमाम काम आप गिना रहे हैं ये सब चीजें? हाँ, इसीलिए हमने आग के अस्पताल बनाए यहाँ पर, एक बहुत बेहतरीन, राहुल गांधी जी ने यहाँ इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल बनाया है जो देश का 16वें नंबर का अच्छा अस्पताल है। तो हम उसका मुफ्त में इलाज कराते हैं यहाँ अमेठी लोगों का भी, जिसको चीजें दिखती नहीं है। अगर दिखें तो नाम बताएं कि यहाँ पर स्मृति ईरानी या किसी और ने अमेठी के लिए कौन सा काम किया। जितनी इंडस्ट्रियल एरिया अमेठी में है, यहाँ पर टिकरिया इंडस्ट्रियल एरिया, कुछ काम गिना दीजिए क्योंकि उनको काम दिख नहीं रहा अमेठी में जो आपने किया। मैंने कहा कि आज पहली बार हमने 6 लाख से ज्यादा लोगों को अमेठी के अलग अलग योजनाओं का, जो जन कल्याण योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री की, माननीय मुख्यमंत्री की, उत्तर प्रदेश सरकार की, आदरणीय हमारी जो यहाँ की सांसद और मंत्री स्मृति ईरानी जी के थ्रू बहुत सी योजनाओं को हमने, गांव में आज मकान मिल रहे हैं लोगों को, राशन मुफ्त मिल रहा है लोगों को, तमाम सुविधाएं यहां पर जो आज आप देख रही हैं। सबसे बड़ी बात ये, दीपक जी यहीं से आते हैं, हमारे छोटे भाई हैं, इन्होंने बड़ी बातें, बड़े आरोप लगाए, क्योंकि अभी 22 में इन लोगों को चुनाव हारना है और इनकी पार्टी की तो खरम बात ही क्या करें, वो तो खत्म ही हो चुकी, उत्तर प्रदेश में लुप्त हो चुकी है। ये हमारे सदन के साथी हैं, मैं चाहता हूँ कि ये बने रहें तो अच्छा है, बाकी और लोगों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी आए और भारी भीड़ उन्होंने जुटाई है, वो भीड़ को देखकर क्या कहेंगे? मैं वही पर आना चाह रहा था कि जो सांसद जिन्होंने बड़े दावे किए थे कि अमेठी को हम पता नहीं क्या बना देंगे, आज अमेठी में 2.5 वर्ष के बाद वापसी हुई उनकी। 2.5 वर्ष पूर्व जब उनको आभास हो गया कि अमेठी में हम हार रहे हैं और स्मृति जी बहुत भारी बहुमत से हमको हराने वाली हैं, तो यहाँ से छोड़कर वो वायनाड क्यों चले गए? ये तो उनकी परंपरागत सीट थी। इसका मतलब है कि यहाँ के लोगों ने मान लिया कि आपने कुछ नहीं किया था और जिससे उम्मीद थी।